दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कि बीएससी का रिजल्ट आ चुका है, बीएससी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर आपको जैसे कि बीएससी पार्ट वन, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। तो आप उसको किस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे आपके सामने मैंने एक रिजल्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको गूगल क्रोम या फिर आप गूगल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। वहाँ पर आपको डालना होगा, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, नया न्यू टैब लेकर यहाँ पर आपको डालना है DBRAU। यहाँ पर DBRAU रिजल्ट, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि DBRAU रिजल्ट 2022, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। इस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सिर्फ और रिजल्ट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर एक भी दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं DBRAU, और यहाँ पर आपको डालना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप नहीं जा सकते तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर आकर आपको जो भी सेशन है आपका यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि मैं 21-22 सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी पार्ट सेकंड और बीए पार्ट सेकंड का भी रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर जो भी आपके रिजल्ट आ चुके हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, जिसका भी आप देखना चाहते हैं, कोई भी कोर्स हो। यहाँ पर आपको जो लिस्टेड दिख रहे हैं, जो लिस्ट में नाम दिख रहे हैं, वो आप कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम अपना रोल नंबर लिखते हैं और यहाँ पर ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है और आपके सामने आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में क्या था कि जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम जो नंबर मिलेगा वो सेकंड ईयर के हिसाब से मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का जो रिजल्ट है, देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल ऑफ सेकंड ईयर और टोटल ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ पर रिजल्ट देखने को आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर ये कैंडिडेट अभी पास है, और भी काफ़ी जो भी कॉलेजेस हैं उनमें काफ़ी स्टूडेंट फेल भी हो चुके हैं क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो देर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।